चाहे वो राजस्थान भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, यूपी भी है, सेंट्रल की भी है, और ये बड़ा चिंतनीय रहा है। और उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार पहली सरकार रही प्रदेश की हमारी, जो सबसे कड़े कानून लेके आई। क्राइम होता है, घटना घटित होती है, सरकार का प्रशासन का दायित्व होता है उनको पकड़ना और कानून के अंतर्गत सजा दिलवाना। तो वो जितने भी लोग थे वो एसओजी ने हमारी ने शानदार काम किया और उनको जेल के अंदर भी गया, उनकी संपत्तियां भी जो है बुर्द की गई हैं, मतलब जब्त की गई हैं, आपको मालूम है। तो मैं सोचता हूँ गुजरात में आपको मालूम है 14-15 वाला पेपर आउट हुआ है, कभी जांच लोकल पुलिस के अलावा किसी को नहीं दिखी। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जेल में चले जाते हैं अगर सही जांच हो जाती है। तो ये चीज है, युवाओं का भविष्य निश्चित निर्धारित होता है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर किसी से समझौता ना करते हुए, कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, राजनीतिक होता है, लेकिन जो एजेंसी का भी खुद हाईकोर्ट ने माना है, राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं, जांच अच्छी चल रही है, हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही है। बिल्कुल छात्र संघ, देखिए चुनावों में जहां तक सवाल है हर कोई चाहता है कि होने चाहिए, लेकिन परिस्थितियां क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है और इसमें आपने देखा होगा, आज तो बोर्ड के तहत भी आ गया कि साल में 2 बार एग्जाम होंगे, आने आज आप देखा है केंद्र सरकार एक तरफ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रही है, तो उसको मद्देनजर खत्म नहीं किए गए, ये कि चुनाव के ऊपर ये नहीं कि नहीं होंगे। और हमारी सरकार ने अशोक गहलोत ने वर्षों के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी आपको मालूम है, और हाईकोर्ट में भी जो रिट लगी, पीआईएल लगी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया हाईकोर्ट ने। तो ये नहीं कि चुनाव नहीं होंगे, चुनाव का क्या स्वरूप होगा, किस तरह से होंगे, इस पर विचार चल रहा है निश्चित रूप से। ये गर्ग साहब ने बिल्कुल सही कहा, पर हमारी ये डिमांड है पार्टी की, पार्टी का ये मानना है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए और जरूर होने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए। जिस जहाँ से जैसे आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार जहाँ से निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, नेता भी वहाँ से निकलने चाहिए। ये बात बिल्कुल जायज मांग है और हम इसका समर्थन करते हैं। थैंक यू।